उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में पैसे के लेन देन में युवक की हत्या, गन्ने के खेत में फेंका शव, दो आरोपी गिरफ्तार। बताते चले, मीरगंज के स्थानीय क्षेत्र के गांव गूला निवासी राम सिंह के पुत्र विशाल की हत्या के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने पैसे के लेन देन में अपने मैकेनिक की हत्या कर उसके शव को बहेड़ी थाना क्षेत्र के गाँव पिंदारी के जंगल में फेंक दिया था। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने मृतक के शव को बरामद किया, साथ ही मृतक का मोबाइल फोन को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। क्या नाम भैया आपका? अरविंद कुमार। अरविंद जी, आपके कौन से जी? भाई। भाई क्या नाम था भैया का? विशाल। कहाँ के रहने वाले थे? गूला। गूला थाना मीरगंज। कैसे खत्म हुआ, क्या हत्या कर रहे हैं? ये नरेंद्र की दुकान पे गए थे काम करने के लिए, तो नरेंद्र भाई लेके गए थे इसके लिए। इन्होंने फोन करके बुलाया था हाँ कि विशाल आ जाओ। उसके बाद में ये शाम को ढूंढने गए थे, हम मेरा भाई गया नहीं, पहुंचा घर पे। उसके बाद में पता चला कि भाई वो है नहीं, फिर वो साथ में ये ढूंढवा भी दिया था। फिर जानकारी मिली थी कि ये इसके साथ में गया था। उसके बाद में फिर ये थाने में FIR कराई थी। उसके बाद में फिर क्या हुआ इसकी, फतेहगंज थाना फतेहगंज हाँ। उसके बाद में फिर ये जांच करवाने के लिए दरवाजे गए थे वहाँ पे, तब ये कबूला था हाँ। पहले मैंने कर दिया था कि मेरे पास नहीं ले गए कि हाँ वो मैंने मार दिया। ये दो लोगों ने, ये एक नरेंद्र था, एक राम बाबू था जी। क्या काम करता था भाई तुम्हारा? हाँ, मेरा भाई नरेंद्र के पास में काम करता था। काम करता था? मैकेनिक गिरी का। मोटर मैकेनिक जी। गाड़ियाँ चोरी बेचते थे? गाड़ियाँ ये नरेंद्र चोरी की बेचता था। तो क्यों, कहाँ मिली बॉडी आपको? ये बहेड़ी से आगे मिली थी। कहाँ? नहीं नहीं, नदी के पास में, गन्ने में, गन्ने जी, पिंडारी गाँव में। कहाँ मिली थी? खेत में गन्ने के। कब मिली बॉडी? ये मिली थी कल। कब से गायब थे भाई? मेरा भाई 6 तारीख से। क्या लोगों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने? दो। कहाँ